हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सुनाल 30 गाइस। आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। उसका रीज़न है क्योंकि आज से सावन की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज सावन का पहला सोमवार है। वैसे तो सभी लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता है, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं रहने वाला नाथ नगरी बरेली से हूँ। और सावन के महीने में नाथ नगरी के दर्शन आपको ना कराया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आज ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बरेली में बने भगवान शिव के 7 नाथ मंदिरों में से एक त्रिवर्ती नाथ मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा और साथ साथ आपको भी कराऊंगा। तो इसलिए आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो मैं अपनी फैमिली के साथ निकल चुका हूँ अपने घर से और चल दिया हूँ त्रिवर्ती नाथ मंदिर की तरफ। त्रिवर्ती नाथ मंदिर मेरे घर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मैं रहता हूँ राजेंद्र नगर में और त्रिवर्ती नाथ मंदिर है इंदिरा नगर में, तो दोनों एरियो के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है लगभग। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं त्रिवर्ती नाथ मंदिर। सामने है मंदिर और ये है भगवान शिव की एक विशाल और भव्य प्रतिमा। ये प्रतिमा अभी हाल फिलहाल में इसी साल शिवरात्रि के आसपास बनकर तैयार हुई है। बरेली के 7 नाथ मंदिरों में से एक है त्रिवर्ती नाथ मंदिर। त्रिवर्ती नाथ मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पर कई साल पहले एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था, तब उसके सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने बोला कि जिस जगह तुम लेटे हो उस जगह तुम खुदाई करो, वहाँ तुम्हें मैं मिलूँगा। तब उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी नींद से उठकर उसी जगह उसी पेड़ के नीचे खुदाई करना चालू कर दिया और वहाँ उसे शिवलिंग मिला। उसी शिवलिंग के चारों ओर आज ये मंदिर बना है। और जिस पेड़ के नीचे वो व्यक्ति सो रहा था, उस पेड़ के 3 वट थे, मतलब 3 वट वाला पेड़ था वो, इसलिए इस मंदिर को त्रिवर्ती नाथ बोला जाता है। अगर आप बरेली के 7 नाथ मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, उन सब के दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक ब्लॉग बना के अपलोड कर रखा है जिसका नाम है नाथ नगरी दर्शन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वाला ब्लॉग ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको एक ही वीडियो में बरेली के सभी 7 नाथ मंदिरों के दर्शन मिल जाएंगे। और ये है वो प्राकृतिक खुदाई से निकला हुआ शिवलिंग। आप ये पेड़ देख रहे हैं सामने, इसी पेड़ के नीचे है वो शिवलिंग, इसलिए इस जगह की इतनी मान्यता है। यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त आते हैं। अभी आप जो भीड़ देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। अगर मैं सुबह 3-3:30 बजे यहाँ आता तो आपको लाइन दिखाता है यहाँ पर भक्तों की। और मंदिर के पीछे एरिया में ये देखिए कितना खूबसूरत नंदी महाराज का और शिव जी का स्टैचू बनाया गया है। अभी आप वीडियो में भगवान शिव के जयकार सुन सकते हैं और इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का भक्तों का सैलाब किस तरीके का है। और जिस कुदरती पेड़ की बात मैं कर रहा था या जिस पेड़ के पास वो कुदरती शिवलिंग निकला था, वो पेड़ ये है जिसके चार ओर ये मंदिर बनाया गया है। आपको पेड़ दिख रहा है, ये वही पेड़ है जिसके नीचे शिवलिंग निकला था खुदाई के बाद। फिलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सुनाल 301 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।